दोस्तों, जब से नया नियम बना है कि वेटिंग वाले स्लीपर में यात्रा नहीं कर सकते, तब से यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि वे यात्री बहुत खुश हैं जिनका टिकट कंफर्म है, लेकिन वहीं पर जिनको इमरजेंसी में यात्रा करनी है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ रहे हैं। क्योंकि वो स्लीपर में या कि फिर एसी में यात्रा नहीं कर सकते यदि उनका टिकट वेटिंग में रह गया है, तो उन्हें जनरल बोगी में मजबूरन यात्रा करना पड़ रहा है। ऐसे में रेलवे की तरफ से ऐसा सहानुभूति दिखाई गई है कि नवंबर तक करीब करीब 10,000 नए स्लीपर कोचेज बनाए जा रहे हैं, साथ ही साथ जनरल कोचेज भी बनाए जा रहे हैं जो कि तमाम ट्रेनों में एक्स्ट्रा ऐड किए जाएंगे। जैसे कि पहले चार चार बोगियां हुआ करती थी सभी ट्रेनों में जनरल के, लेकिन बीच में सिर्फ दो बोगियाँ कर दी गई थी, वो भी सिर्फ आगे या कि फिर पीछे। लेकिन इस चीज़ को बदल करके अब आगे और पीछे मिला करके कम से कम चार चार बोगियाँ जोड़ी जाएंगी सभी ट्रेनों में। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी राहत कह सकते हैं यात्रियों के लिए है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा यात्रियों का शिकायत है कि नहीं स्लीपर के लिए भी कुछ व्यवस्था करें, ताकि जिनको अचानक यात्रा में जाना पड़े, क्योंकि कई बार यात्राएं जो होती है वो अचानक ही हो जाती हैं और फैमिली लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ रेलवे की तरफ से एक और अपडेट निकल के आया है कि यदि आप यात्रा के दौरान बीमार महसूस करते हैं या अचानक से आपकी तबीयत खराब हो जाती है, चोट लग जाती है, तो रेलवे की तरफ से टीटी के पास करीब करीब 8 प्रकार की दवाएं होंगी, जिन दवाओं को आप टीटी से कह करके ले सकते हैं और इसका चार्ज भी टीटी आपसे ले सकता है। इसका चार्ज 50 रुपये तक होगा, तो आप 50 रुपये दे करके टीटी से मामूली दवाएँ, जैसे कि आपका सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है या कहीं चोट लग गई, इन सब चीज़ों की आप वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और भी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।